हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने घर के आंगन में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन एक नहीं होता है किसी के लिए, और इसी तरह मेरे साथ भी आज हो चुका है दोस्तों। ये हादसा मेरे साथ भी हो चुका है दोस्तों। मेरे घर में भी आज नाश्ता नहीं बनाया, मम्मी लोग कुछ नहीं बनाई है, मम्मी लोग अपना काम में व्यस्त थी दोस्तों। तो आज हम लोग सोच रहे हैं काहे नहीं अपना घर का ही कुछ जुगाड़ लगाए खाने के लिए, नाश्ता के लिए दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं आज अपने घर के आंगन में, एक छोटा सा पपीता का पेड़ है दोस्तों, और वहाँ पे हम लोग पपीता तोड़ते हैं दोस्तों और वहाँ पे खाते हैं। चलिए, और पहले तोड़ने के लिए हम लोग कुछ लाते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे सीढ़ी है दोस्तों, तो हम लोग सीढ़ी लेके अभी जाएंगे और सीढ़ी लेके हम लोग वहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। कि अब हम लोग यहाँ पे सीढ़ी लगा रहे हैं, सीढ़ी बहुत बढ़िया तरीके से लगाया जाता है ना, तो फिसल के हम लोग गिर भी सकते हैं, तो और एक हादसा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए सीढ़ी बढ़िया से लगाना है दोस्तों। ऐसे सीढ़ी यहाँ से यहाँ खप चुका है, पूरा बढ़िया खप चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ कोई हादसा नहीं होगा, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हो सकता है। भले घर में एक बार हादसा हो चुका है नाश्ता नहीं मिलने से, मेरा अगर हादसा हो चुका है मेरे साथ, लेकिन दोबारा हादसा हम नहीं होने देंगे दोस्तों। आप लोग से वादा करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आइए, हम लोग चढ़ते हैं और पपीता तोड़ने का हम लोग ही करते हैं। जान हलक में लेके दोस्तों 50 फीट दीवार में हम लोग बैठ चुके हैं, जान हलक में लेके दोस्तों। और चलिए, एक टोकरी भी हम लोग साथ में लिए, और चलिए हम लोग पपीता तोड़ते हैं। पपीता तोड़ने से पहले दोस्तों हम लोग पपीता का सूखा हुआ डंडा तोड़ेंगे पहले। ये डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों। आराम से इसको निकालेंगे बढ़िया से, और क्या चाव से इसको हम तोड़ेंगे, और वही चाव से हम लोग खाएंगे भी दोस्तों। इसको टूट नहीं रहा है दोस्तों, आराम से इसको तोड़ते। अरे दोस्तों, यहाँ तो बहुत ज्यादा पपीता है, 4-5 से ज्यादा पपीता है यहाँ पे। आज लग रहा है खाने के साथ साथ हमको दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा दोस्तों। एक पपीता गिर चुका है दोस्तों, पूरा पका पपीता गिर चुका है। देखिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके पपीता तोड़ते हैं। क्या पपीता है यहाँ पे, पूरा पका पका पपीता है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे देखिए, ये दो पपीता तोड़ चुके हैं दोस्तों, और अब ये तीसरा पपीता तोड़ रहे हैं दोस्तों। पूरा पका हुआ है, पूरा पका हुआ है दोस्तों। और ये 3 पपीता हो चुका है, 4 हो चुका है, टोकरी भर चुका है। मम्मी को बोले टोकरी बढ़ा देने, तो मम्मी टोकरी बढ़ा नहीं दी, छोटा ही दी, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में मैनेज करेंगे हम लोग दोस्तों। और ये देखिए कितना ज्यादा हो चुका है, टोकरी भर चुका है, जमीन में रखना पड़ रहा है दोस्तों हम लोग को पपीता। और देखिए इतना हो गया, 7-8 तो तोड़ ही लिया मैंने। और इधर भी एक शायद है पपीता, इसको भी तोड़ लेते हैं पका हुआ। चलिए दोस्तों, पका हुआ तो और 4-5 है दोस्तों, लेकिन अभी इतना ही तोड़ेंगे, काहे कि इतना बहुत। देखिए दोस्तों, हम लोग नीचे उतर रहे हैं, टोकरी लेके, पूरा टोकरी भरा हुआ है, और बाकी तो हमको वहीं जमीन में रखना पड़ रहा है, दोबारा फिर जाएंगे चलाने के लिए दोस्तों। पूरा टोकरी और पूरा पका हुआ पपीता दोस्तों, मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। और ये पपीता तो इतना हम खा नहीं पाएंगे, तो हम दूसरों को दान भी करेंगे दोस्तों। और मेरा हर वीडियो दोस्तों, हर वीडियो में एक सकारात्मक संदेश होता है दोस्तों आप लोग के लिए। तो हम अभी दोस्तों इतना पपीता तो नहीं खा पाएंगे, ये आप लोग भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। और ऐसा जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें 5 पोषक तत्व होता है दोस्तों, 5 पोषक तत्व होता है इसमें दोस्तों। इसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होता है, जल होता है। ये इसको अब हम एक एक करके गरीब नंगे भूखों को भी देंगे, और इस नंगे भूखों को देने के बाद हमको बहुत ज्यादा पुण्य भी मिलेगा और मेरा आत्मा भी संतुष्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं भी भूखा नंगा ही हूँ, और एक भूखा नंगा ही दूसरे भूखा नंगा की मदद करता है, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए, मैं भी एक भूखा नंगा के रूप में दूसरे भूखा नंगा को मदद करता हूँ, एक एक पपीता देके। आइए दोस्तों, वीडियो बने रहिए। लीजिए, पहले हम छोटा से शुरू करते हैं, क्योंकि छोटा को ही ज्यादा अहमियत दिया जाता है दोस्तों। आइए, छोटा का पेट भरना ही सबसे बड़ा पुण्य दोस्तों। लीजिए लीजिए, आप आराम से खाइए इसको, साथ में इसको अभी एक जलजीरा भी देंगे दोस्तों। दोस्तों सिर्फ पपीता देने से नहीं होता है दोस्तों, पपीता के साथ साथ आज के जमाने में आदमी को सब कुछ चाहिए। आप चावल दीजिएगा किसी को तो वो नहीं लेगा, लेकिन उसको चावल के साथ दाल दीजिएगा, सब्जी दीजिएगा, सब लेगा, वो चटनी दीजिएगा तब लेगा। उसी तरह ये लोग को भी पपीता दिए तो ये लोग बोल रहा है कि पपीता सिर्फ नहीं लेंगे। भले लोग कितना भूखा नंगा है, लेकिन ये लोग पपीता सिर्फ नहीं ले रहा है, ये लोग पपीता साथ जलजीरा मांग रहा है, और जलजीरा के साथ चाकू मांग रहा है, और छिल्ले का छिल्ली भी मांग रहा है। ये लोग हम सब उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। आइए लीजिए दोस्तों, आप एक गरीब भूखा नंगा को दे रहे हैं पपीता, जलजीरा, छिलने का छिलनी और चाकू भी, और साथ में इसका आशीर्वाद भी ले रहे हैं दोस्तों कि हमको इसी तरह आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। और चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट में इन लोग का भी देते हैं, इसको भी दे रहे हैं। लीजिए दोस्तों, जलजीरा के साथ पपीता दोस्तों। और ये मेरा भूखा नंगा दोस्त भी है और यार भी है, इसको 2 पपीता देंगे दोस्तों। लीजिए लीजिए, और इसका आशीर्वाद भी ले रहे दोस्तों कि हमको आगे बढ़ने का, इसी तरह हमसे सपोर्ट करता रहे दोस्तों। और ये बच्चा को हम 3 दे दे रहे हैं, पूरा 3 नहीं 2 को देंगे, एक तो हम खाएंगे ना दोस्तों, क्या मेरे घर में भी आज कुछ नहीं बना है, तो एक हम रखेंगे, बाकी सब दान में दे दिए दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।
और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया संदेश वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव संदेश वाले वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे दोस्तों। और ये वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों। ये वीडियो आपके अंदर के आत्मा को तृप्त कर देगा दोस्तों। ये पपीता भी जिस तरह आपको पेट भरता है, आत्मा तृप्त करता है, उसी तरह ये वीडियो भी आपके मन को और तन को तृप्त कर देगा दोस्तों। दोस्तों काट लिए पपीता, सबको तो दे चुके हैं, भूखे लोगों को तो दे चुके हैं। अब मेरे से भूखे लोगों को भी कुछ कुछ खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। और काट चुके हैं चाकू से, देखिए यहाँ पे जलजीरा हल्का हल्का दे रहे हैं, हल्का हल्का जलजीरा दे दिए हैं। अब इसको बहुत ही चाव से खाएंगे दोस्तों, बहुत ही चाव से इसको यहाँ पे रख चुके हैं। और ये बहुत ही चाव से देखिए कितना बढ़िया पपीता, देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी वाला, देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्वालिटी वाला पपीता है दोस्तों। इसको ये पपीता बहुत बढ़िया है, बहुत फायदेमंद पपीता।